जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लोर कमांड का यूजेस बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप एक्सप्लोर कमांड का यूजेस कर सकते हो। देखिए, एक्सप्लोर कमांड की बात करूं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रखा है, आपका एक तरह से ज्वाइन हो रखा है, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट करना चाहते हो, तो आप फिर वहां पर आप किसका यूज करेंगे, एक्सप्लोर कमांड का यूज करेंगे। जैसे मान चले कि एक मैंने रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल किसके द्वारा बनाया, रेक्टेंगल कमांड के द्वारा। तो आपने देखा होगा जो रेक्टेंगल होता है उसके क्या है, चारों कॉर्नर्स, चारों साइड होती है, क्या होती है, जॉइंट होती है, जुड़ी हुई होती है। जब आप मूव करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल मूव होता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि उस रेक्टेंगल की चारों साइड को अलग अलग करना चाहता हूं, सेपरेट सेपरेट करना चाहता हूं, उसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड, या टॉप या बॉटम साइड, या आप चाहते हो फ्रंट साइड, बैक साइड, आप उनको क्या करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो कि उसकी साइड हो जाए, क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, सेपरेट सेपरेट हो जाए, तो फिर वहां पर आप किसका यूज करेंगे, एक्सप्लोर कमांड का यूज करेंगे। या फिर आपने कोई पॉलीगन बनाया तो पॉलीगन की भी जो साइड होती है सारी क्या होती है, जॉइंट साइड होती है, लेकिन आप चाहते हो उस पॉलीगन की साइडों को भी क्या करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, एक्सप्लोर कमांड का यूज करेंगे। या फिर आपने जॉइन कमांड के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट है वो जॉइन कर रखा है, जॉइन कमांड के द्वारा आपने ऑब्जेक्ट क्या कर रखा है, जॉइन कर रखा है, लेकिन आप उसे क्या करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, तब भी वहां पर आप किसका यूज करेंगे, एक्सप्लोर कमांड। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर कमांड का यूज बताऊंगा कि आप ऑटोकैड के अंदर आप किस टाइप से एक्सप्लोर का यूजेस कर सकते हो। मैं के सुरवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, एक्सप्लोर की बात करें तो आप जाएंगे मॉडिफाई के अंदर, और मॉडिफाई के अंदर यहां पर मिलेगा हमें क्या, एक्सप्लोर। तो या तो हम यहां से एक्सप्लोर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सप्लोर की कमांड की बात करें तो आपको एक्सप्लोर के लिए EXPL एंटर कर देंगे तो आपकी एक्सप्लोर कमांड एक्टिव हो जाएगी। क्लियर? या तो आप यहां से लेंगे एक्सप्लोर, या फिर आप EXPL, क्लियर, तो आप EXPL कर देंगे और एंटर कर देंगे तो आपकी एक्सप्लोर कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उस पर मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए, मैं फिलहाल जो बना रहा हूँ एक ये लाइन से बनाया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसे क्रिएट कर रहा हूं यहां पर लाइन से। क्लियर? एक बना रहा हूं मैं यहां पर रेक्टेंगल से, ये बनाया मैंने यहां पर रेक्टेंगल, और उसके बाद बना रहा हूं एक पॉली लाइन से, ये। ये बनाया मैंने यहां पर पॉली लाइन से। क्लियर? ये मैंने यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, अब इनको हमें यूज करना है एक्सप्लोर का यूज करना है। देखिए, एक्सप्लोर की बात करें तो एक्सप्लोर क्या काम करता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट, कंबाइन ऑब्जेक्ट होता है उसको अलग अलग करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, जैसे बोला जाए तो आपका ये जॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसको ब्रेक करने के काम में आपका किसका यूज होता है, एक्सप्लोर का यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे तो ये मैंने जो बनाया है, ये बनाया लाइन से, ये रेक्टेंगल से बनाया और ये पॉली लाइन से। अब आप इसका देखेंगे तो इसकी जो लाइन है वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट है। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस को जो लेकर आ रहा हूं तो ये अलग अलग हाईलाइट हो रही है, और इस रेक्टेंगल पे ला रहा हूं तो देखिए रेक्टेंगल के क्या है, पूरा एक साथ हाईलाइट हो रहा है, और ये पॉलीगन पे ला रहा हूं तो पॉलीगन भी मेरा एक साथ हाईलाइट हो रहा है। मतलब इसकी जो लाइन है, ये जो पार्ट है वो क्या है, जॉइंट है, और इसके भी आपस में पार्ट ज्वाइन है, लेकिन इसके पार्ट कैसे, सेपरेट सेपरेट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेपरेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सेपरेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये, लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो देखिए एक बार में पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। क्लियर? ऐसी सेम इस पॉली लाइन पर क्लिक कर रहा हूं तो ये भी मेरा एक बार में पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो ये क्या है, ये आपके जॉइन है और ये आपका सेपरेट है। मैं इसको यहां से इधर मूव करूंगा तो देखिए क्या हो गया, ये आपका मूव हो गया, यहां से मैं मूव करूंगा तो ये आपका अलग ये मूव हो चुका है, मतलब ब्रेक हो गया बिल्कुल अलग। लेकिन मैं इसको करता हूं, यहां से मैं इसको सिलेक्ट किया और यहां पर कर रहा हूं तो देखिए ये मूव नहीं हुआ, क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। सेम मैं यहां पे इसको करता हूं, यहां पे इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से यूज करता हूं तो देखिए ये भी क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया।
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट आपके ज्वाइंट ऑब्जेक्ट है, क्लियर, और ये आपके ऑब्जेक्ट है सेपरेट, क्योंकि ये जो मैंने बनाए ये लाइन से बनाए और ये मैंने रेक्टेंगल और पॉली लाइन से बनाए। तो देखिए हम एक्सप्लोड की बात करें तो एक्सप्लोड क्या करेगा कि आप चाहते हो कि इनको भी आप सेपरेट सेपरेट करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, तो फिर वहां पर आप यूज कर सकते हो इसका एक्सप्लोड का। देखिए एक्सप्लोड से बेनिफिट ये होगा कि जैसे एक एग्जांपल मान चले कि ये ऑब्जेक्ट है, मुझे सिर्फ इसी लाइन की कॉपी करनी है या इस लाइन की कॉपी करनी है, इधर मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल पूरे की कॉपी होगी। एक एग्जांपल छोटा सा, मैं अभी एक ऑफसेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वन का ऑफसेट कर रहा हूँ, तो देखिए वन के ऑफसेट में क्या हो रहा है, मेरा पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ये लाइन ऑफसेट करनी है, ये लाइन ऑफसेट करनी है, तो ये ऐसे नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, तभी ये मेरी अलग अलग लाइन ऑफसेट हो पाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर एक्सप्लोड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। अब राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो अब आपकी क्या है, सिर्फ यही लाइन सिलेक्ट हो रही है। इधर देखेंगे तो आपकी सिर्फ ये लाइन सिलेक्ट है, इधर चेक करेंगे तो ये और इधर चेक करेंगे ये। मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ, देखिए क्लिक किया तो आपकी ये लाइन, अब यहाँ से मूव करूंगा तो क्या हो गया, आपका रेक्टेंगल ये ब्रेक हो चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है, क्लियर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये भी, क्लियर। यहाँ से इधर क्लिक करूंगा तो ये भी, और इधर करूंगा तो ये आपके सारे जो एजेस थे, वो सारी जो लाइनें थी, जो सारी साइडें थी, वो क्या होगी आपकी अलग अलग सेपरेट सेपरेट हो चुकी है, क्लियर। मैं फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट करना है, मैं ऑफसेट करता हूँ, वन का ऑफसेट करता हूँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये लाइन करनी है और एक ये लाइन करनी है, तो देखेंगे तो यही दो लाइनें हमारी ऑफसेट हुई। तो इस टाइप से आपका कोई भी जॉइंट ऑब्जेक्ट है और आप उसे क्या करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, तो फिर वहां पर आप एक्सप्लोर का यूज कर सकते हो। एक्सप्लोर के लिए मैं EXPL करता हूँ और एंटर करता हूँ, उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे तो अब आपका ये भी आपका यहाँ से ब्रेक हो गया, क्लियर, यहाँ से ये। इस टाइप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने कोई पॉलीगन बनाया, जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पर बनाया क्या पॉलीगन, मैं यहाँ पर 6 साइड का पॉलीगन क्रिएट कर रहा हूँ, ये अमरी ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन की भी सारी साइड है क्या हमारी जॉइंट है, लेकिन मैं इसकी साइड भी क्या करना चाहता हूँ, सेपरेट सेपरेट करना चाहता हूँ, अलग अलग करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, फिर वहां पर एक्सप्लोर का यूज करेंगे। आप एक्सप्लोर करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, तो देखेंगे ये, क्लियर, तो ये भी आपका पॉलीलाइन भी क्या हो गया, यहाँ पर इसके जितने भी साइड थी वो सारी आपकी अलग अलग हो गई, सेपरेट सेपरेट हो गई, क्लियर। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सर्कल, यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया और यहाँ पे इस सर्कल को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, तो याद रखना कि सर्कल आपका एक्सप्लोर नहीं होगा। मैं यहाँ पर EXPL टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे तो क्या है, सर्कल के अंदर कोई भी यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी साइड नहीं होती, तो ये पूरा ज्वाइन ही रहता है, तो ये अपर इस पर हमारा एक्सप्लोर कमांड काम नहीं करेगा, क्लियर। अदरवाइज आपने चाहे पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट बनाया है, चाहे आपने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, चाहे आपने पॉलीगन बनाया हुआ है, आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो, और लाइन से जो बनाया हुआ ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी पहले से एक्सप्लोर होता है, तो आपको वहां पर एक्सप्लोर काम नहीं करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन से, लेकिन इसको मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, तो जे एंटर उसका यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब देखेंगे तो क्या हो गया, ये ज्वाइन हो गया। अब इस पर हम एक्सप्लोर का यूजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब क्या है हमारा ज्वाइन है, तो यहां से मैं एक्सप्लोर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो अब देखेंगे तो इसकी भी साइड हमारी क्या हो गई, सेपरेट हो गई, अलग अलग हो चुकी है, क्लियर। तो इस टाइप से आप एक्सप्लोर कमांड का यूज करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से यूजेस कर सकते। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया एक्सप्लोर कमांड कि आप ऑटोकैड के अंदर किस टाइप से आप एक्सप्लोर कमांड का यूजेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं या रेक्टेंगल से मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस रेक्टेंगल की सारी साइडें क्या होती है, ज्वाइंट होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उनको क्या करना चाहता हूँ, अलग अलग सारी साइडों को सेपरेट सेपरेट करना चाहता हूँ, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसका यूज कर रहा हूँ, ऑफसेट का, तो क्या हो रहा है, मेरा पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करनी है कि लेफ्ट की लाइन ही ऑफसेट करनी है, राइट की लाइन ऑफसेट करनी है, या टॉप की लाइन ऑफसेट करनी है, या बॉटम की लाइन ऑफसेट करनी है, तो क्या होगा, फिर मैं ऑफसेट करूंगा तो पूरा ऑफसेट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
उसको एक्सप्लोर कर देना होगा। तो एक्सप्लोर से क्या होगा कि उसकी जो साइड है वो सारी साइड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। फिर आप ऑफसेट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर जिस लाइन को आप ऑफसेट करेंगे तो सिर्फ वही लाइन आपकी ऑफसेट होगी, सारा पूरा रेक्टेंगल आपका ऑफसेट नहीं होगा। सेम आपने कोई पॉलीगन बनाया तो पॉलीगन के अंदर जो साइड होती है वो साइड भी क्या होती है, एक तरह से जॉइंट होती है। लेकिन मुझे पॉलीगन की साइड भी क्या करनी है, सेपरेट करनी है। तो फिर वहां पर आप क्या करिए, एक्सप्लोरेटर यूजेस करिए। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जॉइन है, लेकिन उसकी साइडों को आपको अलग अलग करना है, सेपरेट सेपरेट करना है। तो वहां पर फिर आप यूज करेंगे किसका, एक्सप्लोर कमांड का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।